दाल अमृतसरी। दाल अमृतसरी बनाने के लिए हमें चाहिए, हाय वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ जाई और आज हम बनाने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है दाल अमृतसरी। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। दाल अमृतसरी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप चना दाल, आधा कप छिलके वाली उड़द दाल, नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो से तीन बड़े चम्मच देसी घी, एक बड़ा चम्मच मक्खन, एक छोटा चम्मच जीरा, एक मध्यम आकार का प्याज बारीक कटा हुआ, दो मध्यम आकार के टमाटर बारीक कटे हुए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। चना दाल और छिलके वाली उड़द दाल को हमने एक घंटे तक भिगो के उसके बाद आधी मात्रा अदरक, आधी मात्रा हरी मिर्च, हल्दी और नमक के साथ उसे पका लिया है। पकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक नॉनस्टिक पैन में हम लेंगे घी, उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे मक्खन और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ अदरक, हरी मिर्च से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। चलिए ये जो प्याज है वो सुनहरा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक वो सॉफ्ट हो जाए। चलिए टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आधे मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो पूरी तरह से चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे दाल और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चलिए हमने अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लिया है, अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। दाल अमृतसरी तैयार है, गैस बंद कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। दाल अमृतसरी तैयार है, इसे धनिया से गार्निश करके तुरंत सर्व कीजिए। दाल अमृतसरी तैयार है, इसे चावल के साथ गर्मा गर्म परोसिए।